देखिए इस साल हमें तीन बड़ी गैंगस्टर मूवी देखने को मिलेगी इंडिया में, सलार एनिमल और लास्ट किंग ऑफ कोठा। और कमाल की बात यह है इन तीनों फिल्मों का रिलीज डेट एकदम आस पास में है। जहां हम पहले प्रभास सर की सलार की बात करें तो वो आएगी 30 सितंबर को, फिर रणबीर कपूर की एनिमल उसके एक महीना पहले ही 11 अगस्त को रिलीज होगी, और अब दुलकर सलमान की के फिल्म भी अगस्त में रिलीज हो रही है ओनम फेस्टिवल पर, यानी 20 अगस्त के आसपास। और मजे की बात यह है किंग ऑफ कोठा फिल्म पैन नहीं आ रही है सारे लैंग्वेजेस में। भाई आप जानते होंगे दुलकर सलमान इंडिया के पहले ऐसे एक्टर हैं जो आज तक कोई भी पैन इंडिया फिल्म नहीं किए हैं, बट उन्होंने हर एक इंडस्ट्री में हर एक लैंग्वेज में एक हिट फिल्म जरूर दे दी है। जैसे पिछले साल इनकी एक तेलुगु फिल्म आई थी सीतारामम, जो काफी बड़ी हिट साबित रही तेलुगु और मलयालम में। फिर उसके बाद दुलकर सलमान ने बॉलीवुड में चुप फिल्म किया जो बॉक्स ऑफिस पर तो एवरेज रही, लेकिन जब ये फिल्म ओटीटी पर आई तो 20 दिन तक ट्रेंडिंग पर रहा था ये फिल्म G5 पर। और इसी फिल्म के लिए 2 दिन पहले दुलकर सलमान को दादा साहेब फल्के अवार्ड दिया गया बेस्ट नेगेटिव रोल परफॉर्मेंस के लिए, और साथ में चुप के डायरेक्टर बल्कि जी को भी बेस्ट डायरेक्टर के लिए दादा साहेब फल्के अवार्ड मिला है। यानी कि भैया दो कैटेगरी पर चुप नहीं झंडा गाड़ दिया है, और बाकी बेस्ट फिल्म RRR जीता, फिर बेस्ट एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को मिला गंगूबाई के लिए, और लास्ट बेस्ट एक्टर में रणबीर कपूर को दिया गया उनकी ब्रह्मास्त्र फिल्म के लिए दादा साहेब फल्के अवार्ड। खैर अवार्ड की बात तो हो गई, अब KOK फिल्म पर आते हैं। देखिए हाल ही में KOK मेकर्स ने एक वीडियो भी रिलीज कर दिया इस फिल्म से रैप अप का, यानी फिल्म को शूटिंग अब खत्म हो चुकी है। और ऐसा बताया जरा ये फिल्म एक फ्रेंचाइज में बन रही है जिसके अगले सिक्वल के लिए ही मिन्नल मोल्ली के एक्टर टोबिनो थॉमस को भी कास्टिंग किया गया केमियो रोल में, यानी किंग ऑफ कोठा 2 में हमें दोनों टोबिनो और दुलकर सलमान लीड में एक साथ दिखने वाले हैं स्क्रीन पर। वैसे आप जान लीजिए ये KOK फिल्म पहली मलयालम की पैन इंडिया फिल्म है जहां इंडिया की बाकी मेजर इंडस्ट्री पैन इंडिया में छक्के मार चुकी है, और वहीं अभी तक मलयालम इंडस्ट्री को एक भी सक्सेस नहीं मिल पाई है इस पैन इंडिया के रेस में। लेकिन अब लग रहा है दुलकर सलमानी पहली पैन इंडिया हिट फिल्म मलयालम इंडस्ट्री को दे सकते हैं अपने किंग ऑफ कोठा से, क्योंकि भाई इनका फैन फॉलोइंग हर एक इंडस्ट्री में अच्छा खासा बन चुका है जो पक्का इनकी KOK को हिट कराने में मदद कर सकती है। और रही बात फिल्म की स्टोरी की तो भैया मलयालम इंडस्ट्री पहचाना ही जाता है अच्छे कहानियों के लिए, इंडिया के बेस्ट राइटर यहीं से निकलते हैं। सो किंग ऑफ कोठा कहानी पक्का हमें निराश करने वाली नहीं होगी। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे KOK के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना, और साथ में ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।